आंटी कैसी हो? गुड गुड गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड. वाओ, नाइस हेयर कट. हां, थैंक यू सो मच. कहां से आ रही है? वो एक्चुअली ना मैं सैलून गई थी, तो जस्ट वहीं से आ रही हूँ. हां, ओह वाओ, वेरी नाइस. वैसे तेरी कार कहां है? तू पैदल आ रही है? वो एक्चुअली ना मेरी कार का ड्रायर पंचर हो गया. अच्छा. तो मैंने ड्राइवर को बोला कि वो गाड़ी को ठीक करवा के घर लेकर आ जाए. तो मेरे ड्राइवर ने बोला कि मैम आप पैदल क्यों जाओगे, मैं दूसरी कार मंगवा देता हूँ. फिर मैं बोला नहीं नहीं मैं पैदल चल जाऊंगी, थोड़ा वॉकिंग करना भी अच्छा रहता है ना, बॉडी मेंटेन रहती है. या यार, राइट राइट राइट. बाय द वे, तू कहाँ से आ रही है? हाँ, और तू पैदल, तेरी कार कहाँ है? यार, एज यू कैन सी, मैं अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स शॉप करके आ रही हूँ. और व्हाट अ कोइंसिडेंस यार, मेरी भी गाड़ी का टायर पंचर हो गया. या, बाय द वे, यू आर लुकिंग नाइस ऐश्वर्या. हाँ, वेरी प्रिटी. ये आउटफिट कहाँ से लिया? हाँ यार, वो लास्ट वीक ना मैं मम के साथ मॉल गई थी, तो वहाँ पे गुची का शोरूम है ना, बस वहीं से ले लिया था. अच्छा. या, वैसे तू भी बहुत सुंदर लग रही है. हाँ, लाइक वेरी नाइस लुक, स्पेशली ये स्कार्फ इज वेरी प्रिटी. कहाँ से लिया? यही छोटे मोटे ब्रांड्स, गुची, ज़ारा, अरमानी. ओके, वेरी नाइस. अच्छा हाँ ऐश्वर्या, अच्छा हुआ तू मुझे यहीं पे मिल गई. अगर तू मुझे नहीं मिलती ना, तो मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी. मुझे ना तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी. ये देख द गाय, इसका ना मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है इंस्टाग्राम पे. ओह, ये लड़का तो मेरी कॉलोनी में रहता है, लेकिन ये तुझे कैसे जानता है? ओफो यार, जानती तो मैं भी नहीं हूँ, बस रिक्वेस्ट आई थी और थोड़ा हैंडसम लगा मुझे, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली. हाँ, अरे पागल, तुझे कुछ पता भी रहता है? तुझे पता है ये हमारी कॉलोनी की सारी लड़कियों का क्रश है, क्रश. और तू ना खुद को लकी समझ कि इसने तुझे रिक्वेस्ट भेजी है. वो तो मैं हुई. अच्छा शुरिया, आज बी कौन सा है? अच्छा, ट्यूसडे. ट्यूसडे? ओह शिट 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 यार, मुझे ना शॉपिंग पे निकलना था. आई एम गेटिंग लेट यार. ओ या, मुझे याद आया, आज तो मुझे भी शॉपिंग पे जाना था. अच्छा हुआ तूने मुझे भी याद दिला दिया. बाय बाय, सी यू, बाय बाय. पापा की परी लग गई है मंगल बाजार की सेल. आ जाओ, 700 रुपए, 700 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए, सेल ही सेल, सेल ही सेल, 700 रुपए, 700 रुपए. आ जाओ. भैया, ये ब्राउन वाला स्वेटर कितने का है? मैडम जी, ये मात्र 200 रुपए. हाय हाय भैया, ये तो बड़ा ही महंगा है. अच्छा, ये रेड वाला? मैडम, ये भी मात्र 200 रुपए. मैडम, ये ऊपर वाले सारे 200 रुपए के और ये नीचे वाले मात्र 100 रुपए के. अच्छा अच्छा, ये 100 के? ठीक है भैया, तो ये डेनिम के जो शॉर्ट्स है ना ब्लू कलर की, वो दिखाओ आप. मैडम, ये वाले? हाँ. अरे पहले मेरी पकड़ी है. अरे पर देखिए तो पहले मैंने है. अरे सिब्बू तू? ऐश्वर्या तू? ले ले, तू इसे रख ले. हाँ, वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, ओह आप समझी. अरे भैया कितनी फेकू है ये, मेरे से कहती थी ये जो मैंने ड्रेस पहनी है ना, ये मैं मम के साथ जब मॉल गई थी तो वहां से ली थी. क्यों बे, ये है तेरा झोला छाप गुची. ए तू क्या नाम निकाल निकाल के हंस रही है? हाँ, तू भी तो यही से शॉपिंग कर रही है ना. क्या बोल रही थी मुझे कि मैं तो गुची, ज़ारा, प्रादा के अलावा कुछ और नहीं लेती, फटीचर गई की. मैडम मैडम मैडम, देखो लग गई है मंगल बाजार की सेल, इसके आगे गुची पराठा भी है फेल. पहले ले लो कपड़े, फिर भले ही देना एक दूसरे का पेल. सुन, अब देख, हमें एक दूसरे की सच्चाई तो पता चली गई है, तो हमें काम करते हैं, इसको ना हम सीक्रेट रखते हैं, ठीक है, और ये कपड़ों पे फोकस करते हैं. हाँ हाँ यार, तू बात तो सही कह रही है, हम किसी को नहीं बताएंगे. हाँ, और दूसरों के सामने हवाबाजी काटेंगे. हाँ ठीक है. भैया ये 100-100 वाले दे दो. हाँ दिखाओ, ये येलो वाला स्टॉप. हाँ जी, हाँ जी मैडम, आप ना ये ले लो, आप पे बहुत सूट करेगा.
मैडम ये देखो हुडी, ये आप पे बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। देखो मैडम ये देखो लोअर, इसका पहन के आप दौड़ लगाना। ये देखो वाह। मैडम ये लो टॉप, इसको पहन के आप लगोगी टिप टॉप। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सेल सेल, सस्ते रुपए सस्ते रुपए। अरे बोलो मैडम, आपको इनमें से कौन सी ड्रेस चाहिए? बताया तो भैया मुझे ये 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 तीनों ही ड्रेसेस पसंद हैं, पर आप पहले कुछ रेट तो कम करो। अरे मैडम 5,000 की ड्रेस 3,000 में बोल दी, और कितना कम करूं? भैया इतने पैसे तो सच में ज्यादा हैं, इतने पैसों में तो मैं मोमोज वाले भैया से साल भर मोमोज खा सकती हूँ। मैम फिर आप ड्रेस लेके क्या करोगी, आप एक काम करो जाके ना मोमोज ही खाओ। अच्छा भैया चलो ठीक है, ना आपकी ना मेरी, 800 रुपए में डन करते हैं। हाय मैडम कुछ तो रहम करो, ऊपर वाले से तो डरो, इतना कम रेट थोड़ी लग पाएगा। क्या भैया, क्या आप मुझे अपनी नहीं समझते? ओए होए बहन। 100 मैडम, आप जितना बोल रहे हो ना उतने में नहीं हो पाएगा, और आप कपड़े की क्वालिटी तो देखो एक नंबर है, जबरदस्त ब्रांडेड पीस है मैडम, कोई झोला छाप ब्रांड नहीं है जो किसी भी रेट में दे दूं। प्लीज ना भैया, अब मेरी जैसी आपके घर में भी तो आपकी माँ बहन होगी ना, उनकी सोच के दे दो। नहीं नहीं मैडम, मेरी कोई बहन नहीं है, और मैं ना अकेला हूँ, और वैसे भी ना मेरी माँ 4 साल पहले चली गई थी। सॉरी सॉरी भैया, भगवान आपकी मम्मी की आत्मा को शांति दे। अरे अरे मैडम क्या बोल रहे हो आप, मेरी माँ ऊपर नहीं गई है, बल्कि 4 साल पहले ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। सॉरी सॉरी भैया, लेकिन आपके घर में कोई तो होगा ना, आपको उसकी कसम है भैया, कम लगा लो ना। देखो भैया आप ठीक ठीक पैसे लगा लो इसके, वरना ना मैं आपकी यही दुकान के सामने ना अपना दम तोड़ दूंगी, और फिर भूत बन के आपके पूरी दुकान में भटकती रहूंगी, और फिर आपकी दुकान के सारे कपड़े चीर फाड़ दूंगी, फिर बेच लेना अपने कपड़े। है मैडम आप ये क्या बोल रही हो, पैसे निकालो और मेरा प्लीज पीछा छोड़ दो। थैंक यू सो मच भैया, आप कितने अच्छे हो, आपको ना देख लेना मेरी दुआ लगेगी, आपकी मम्मी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जो भागी थी ना, देख लेना आप उनको छोड़ के सीधे आपके पास आ जाएंगी। ठीक है मैडम, आप बिलिंग काउंटर पे पहुंचो, मैं भी जुआता हूँ। ठीक है आप इसको पैक कर दो। ओए सिबू वो देख अंडरगार्मेंट्स। अरे दीदी धीरे बोलो, धीरे लड़का है पीछे। अरे धीरे क्यों बोलू, कोई चोरी करने थोड़ी जा रहे, और वैसे भी तू कह रही थी ना तुझे अंडरगार्मेंट्स लेने, चल दिलवाती हूँ। अरे दी हम अपने कपड़े ले लेते हैं ना, अंडरगार्मेंट्स मम्मी जाकर ले आएंगी। अरे मम्मी कब तक तेरे अंडरगार्मेंट्स लेती रहेंगी, कभी तुझे खुद भी तो लेने हैं ना, और तू ऐसे करती रहेगी तो तेरा डर कैसे निकलेगा, जब तक तू दुकान पे जाएगी नहीं, दुकान वाले भैया से मांगेगी नहीं, कैसे निकलेगा तेरा डर बता। दीदी देखो मुझे ना शर्म आती है, देखो मुझसे नहीं होगा, सच्ची नहीं होगा। ए लल्लू किस बात की शर्म, तू कपड़े लेने जा रही है, कोई भीख लेने थोड़ी जा रही है जो तुझे शर्म आ रही है, और वैसे भी ना अब जमाना बहुत मॉडर्न हो चुका है, और माना के कपड़े बाहर के नहीं अंदर के हैं, लेकिन क्या हुआ है तो कपड़े ही ना, चल। अच्छा दीदी देखो मेरी बात सुनो, बस एक ये लास्ट बार आप जाके बोल दो कि आपको चाहिए अंडरगार्मेंट्स, क्योंकि मेरा और आपका साइज तो सेम ही है ना, क्या ही फर्क पड़ता है, तो आप ले लो प्लीज लास्ट बार। चल ठीक है इस बार मैं ले लेती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से तू अपने अंडरगार्मेंट्स खुद लेगी, ठीक है? चल। हाँ जी मैडम क्या चाहिए? भैया आप ना ब्रा दिखा दो। अच्छा मैडम आपके लिए दिखानी है या आप दोनों के लिए? दोनों के लिए नहीं भैया, बस इसके लिए दिखा दो। अच्छा मैडम इनको तो 32 नंबर आएगा। लेकिन दीदी मेरा और आपका साइज तो सेम ही है ना, मेरे को भी तो 30 नंबर आता है। अरे मैडम आपकी दीदी का साइज तो 30 नंबर है, और वैसे भी ये तो हमारे यहाँ की रेगुलर कस्टमर है। अरे मैडम 25 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 32 ही आएगा। चलो ठीक है भैया, आपको इतना एक्सपीरियंस है, अगर आप बोल रहे हो तो सही बोल रहे होगे। मैडम मैडम आपको तो ब्रा खोल के दिखाऊं? खोलना नहीं है,
आपने इसको ऐसे ही ब्लैक पॉलिथीन में पैक करके दे दो, मैं घर जाके खोल लूंगी। हाँ ठीक है मैडम, आप बिलिंग काउंटर पे पहुंचो, मैं इसको ब्लैक पॉलिथीन में डाल के देता हूँ। हाँ हाँ भाई हाँ। भैया इसका प्राइस टैग के हिसाब से तो इसका कपड़ा कुछ भी नहीं है, बहुत बेकार है। अरे मैडम जी, आप इसको 2-4-5 साल तो क्या 10-15 साल भी पहनोगे ना, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और तो और, आप इसको पहन के और यंग लगोगी। अच्छा तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ, ठीक है तुम ये पीस पैक कर दो। अरे छोटू इधर आ, ले बेटा इसको पैक करा। मैडम बिलिंग काउंटर वहां पे है। ठीक है। वो देख कितनी प्यारी प्यारी फ्रॉकें हैं ना, चलते ले लेते। नहीं नहीं ना मम्मी, मुझे वहां से लेनी है। ए चुपचाप इधर चल 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 चल। अच्छा मम्मा मम्मा, मैं भी अपना बैग रख कर आऊं, आपने तो वहां रख दिया अपना। हाँ हाँ जा वहां कोने में रख दे। ये वाली ड्रेस देख तुझ पे कितनी प्यारी लगेगी ना। हाँ मम्मा ठीक है। और ये वाली? हाँ। रुक भैया, ओ भैया। हाँ जी मैडम बताइए क्या चाहिए आपको। भैया कोई ना अच्छी सस्ती और टिकाऊ ड्रेस दिखा दो इसके नाप की। अच्छी सस्ती टिकाऊ, ठीक है मैडम। छोटू बड़ा एक काम कर, नीचे गोडाउन में जाके एक जूट का बोरा लेकर आ। ये क्या मम्मी, अब जूट वाला बोरा पहनाओगे क्या आप मुझे? नहीं बेटा। ए भैया कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं अपनी बेटी को क्या बोरा पहनाऊंगी? मैंने आपको बोला है अच्छी और सस्ती ड्रेस दिखाओ, लेकिन थोड़ी फैशनेबल भी तो होनी चाहिए ना। बच्ची अरे बहन जी, ये पहले बोलना चाहिए था ना। चलो अभी दिखाता हूँ। मैडम ये बताइए ये कैसा लगेगा? अरे नहीं भैया, हमारे घर में शादी नहीं है, कुछ और दिखाओ। ठीक है मैडम, ये देखिए मैडम, ये तो और भी सुंदर है। भैया मेरी बेटी के रिश्ते वाले नहीं आ रहे, अभी इस बिचारी की उम्र ही क्या है, कुछ और दिखाओ। मैडम ये तो सबसे सुंदर कलर है, लाल कलर। मेरे घर में माता की चौकी नहीं होने वाली है। ठीक है मैडम, सबसे बेस्ट पीस बता रहा हूँ आपको, ये देखो एक बार। हाँ ये ड्रेस बड़ी सुंदर है, लेकिन ये इसमें नहीं, ये मुझ पे अच्छी लगेगी, इसे मैं बाद में ट्राई करूंगी। आप एक काम करो, यहाँ से बिटिया के लिए कुछ दिखाओ बढ़िया सा। ठीक है मैडम, तो यहाँ है ना मैडम सबसे बढ़िया कलेक्शन, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए मैडम, ये देखिए। नहीं भैया इसमें मेरी बेटी जच नहीं रही। ठीक है ये देखिए। नहीं भैया इतना कुछ खास नहीं लग रहा, कुछ और दिखाओ। दिखाता हूं और कुछ, ये देखिए पीछे घूम एक बारी। हाय हाय भैया ये तो स्कूल की ड्रेस लग रही है, ये तो मैं अपनी बेटी को कभी ना पहनाऊं। छी पकड़ो। कुछ अच्छा दिखाना भैया आपकी बात। अब जो पीस दिखाऊंगा ना मैडम सबसे सुंदर है, ये देखिए। ये ड्रेस तो कुछ इतनी खास नहीं है, लेकिन अगर मेरी रानी बेटी इसे पहनेगी ना तो बिल्कुल परी लगेगी परी, और ये ड्रेस भी खिल जाएगी। और क्या बहन जी, इसमें तो आपकी बेटी एक नंबर पीस लगेगी। क्या मतलब? अरे नहीं नहीं मैडम, वो मेरे कहने का मतलब है कि ये ड्रेस इतनी सुंदर है, इसमें आपकी बिटिया बहुत ही सुंदर लगेगी, वो क्या है ना फ्लो फ्लो में निकल जाता है। मुझे ना कुछ शॉर्ट ड्रेस चाहिए, सारे कपड़े मेरे पास ऐसे फुल से भरे हैं। भैया आप एक काम करो, मुझे ना कोई शॉर्ट ड्रेस दिखा दो। अच्छा ऐसा है, तो पहले बोलना चाहिए था ना। रुको बेटा, शॉर्ट ड्रेस। टाडा, वाओ मम्मा, हाँ ये मुझे पसंद है, आपको पता है ये क्रॉप टॉप है। अरे क्या खाक पसंद है क्या इसमें पसंद करने लायक? और भैया आपने तो हद ही कर दी, हमें छोटे बच्चों के कपड़े दिखा रहे हो आप। अरे मम्मा ये छोटे बच्चों के कपड़े नहीं है, ये बड़े बच्चों की शॉर्ट ड्रेसेस हैं।
हे चुप हो जा तू, किस बात की शॉर्ट ड्रेस है ये अभी तुझे नहीं आएगी। अगर मैं तुझे इसे 3 साल बाद पहनाना चाहूंगी ना, फिर तो ये तुझे घुसेगी भी नहीं। अब मैं क्या रोज रोज तुझे कपड़े दिलाने लाती रहूंगी। ओ भैया आप पकड़ो अपने ये छोटे कपड़े, आप ना मुझे एक लंबी चौड़ी 10 मीटर की टॉप और पैंट दिखा दो जो मेरी रानी बेटी पे सुंदर लगे। अब देखो क्या है ना, बच्चे रोज रोज बड़े होते रहते हैं, रोज रोज तो इन्हें शॉपिंग कराने नहीं ला सकते ना, बजट हिल जाता है। आप दिखाओ दिखाओ बड़ा सा दिखाओ। अरे मम्मा बजट हिल जाता है तो क्या इसका मतलब आप मेरे को पुराने जमाने के चाचा नेहरू के कपड़े पहनाओगे क्या? चुप कर तू, तुझे पता क्या है कपड़ों के बारे में? पैसे पूरे देगी और कपड़े के आधे आधे खरीदेगी। चुप हो जा बिल्कुल। भैया दिखाओ आप। दिखा रहे हैं, ये लीजिए मैडम, ये बिटिया पे बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ ये हुई ना भैया बात, देखो कितना सुंदर लगेगा। ले अब जाके ना इसको ट्राई करके आ, बाद में मत बोलना कि मम्मी ने पसंद के कपड़े नहीं दिलवाए। जा। हाँ अभी जैसे आप बड़ा मेरी पसंद के दिला रहे हो। फिर बकवास कर रही है, जा जल्दी जा। अरे वाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, और क्या चाहिए। भैया एक काम करो, ये कपड़े पैक कर दो। गाइस तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? और अगर हुआ है ना तो नीचे मुझे कमेंट्स में बता देना, और अपनी लाइफ में कुछ भी करना पर अपनी मम्मा के साथ ना कभी शॉपिंग पर मत जाना, वरना ऐसे ही बना देंगी आपको वो। अरे चल सिम्बू आजा।